हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको तीन रंग में बहुत ही प्यारा सा डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। एकदम नया डिज़ाइन है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान डिज़ाइन है, चलते हैं इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये पायदान बनाने के लिए मैंने 9 नंबर के नीडल्स का यूज किया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये तीन कलर से ये पायदान बनाएंगे, येलो, ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन है और ये मैरून। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको फंदे डालने बता दूं, बिल्कुल ही सिंपल तरीके के फंदे मैं आपको बताऊँगी जो बिगनर्स भी आसानी से डाल लें। सबसे पहले एक हम यहाँ पर स्लिप नोट बना लेंगे, इसको टाइट कर लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, राइट हैंड में नीडल ले लेंगे, लेफ्ट में ऐसे थ्रेड पकड़ लेंगे और इस तरीके से एक हमारा नोट से हो गया और ये आगे हमने डाल लिया। ऐसे आपने इसमें फंदे डालने हैं। ये देखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 16 फंदे फ्रेंड्स मैं मैरून से डालूंगी और ऊपर मैं अब 16 फंदे इसी तरीके से मैं ग्रीन से डाल लेती हूँ। ऐसे ही मैं एक ऐसे नोट लगा लूंगी। ये देखिए, बहुत आसान तरीके के फंदे हैं। बाकी जैसे आपको डालने आते हैं आप वैसे भी डाल सकते हो, ये बिगनर्स के लिए बता रही हूँ मैं। तो 16 फंदे मैं ऊपर डाल लेती हूँ, फिर हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये हमने फंदे डाल लिए फ्रेंड्स। ये हमारी सीधी साइड बनेगी, ये हमारी उल्टी साइड बनेगी। तो देखिए, 16 फंदे मैंने डाल लिए, 32 फंदे का। अगर आपको और बड़ा बनाना है तो आप इसमें ज़्यादा फंदे डालिएगा, लेकिन आप जोड़े से फंदे डालिए। ये देखिए, 14 फंदे फ्रेंड्स मैं ये बना लूंगी। 16 फंदे डाले हैं तो 14 फंदे बनाऊंगी। 2 फंदे नीचे के हम दूसरे कलर में कन्वर्ट करेंगे। ये मैंने डबल कर रखी है, पतली ऊन थी। अगर आपके पास मोटी है तो आप सिंगल से भी बना लीजिए, और अगर आपको साड़ी और चुन्नी से बनाना है तो साड़ी से और चुन्नी से भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से बना सकते हो। बहुत सारी वीडियो है फ्रेंड्स जो मैंने साड़ी और चुन्नी से बना के अपलोड कर रखी हैं, आप देख लीजिए। ये देखिए, 14 फंदे मैंने ऊपर बना लिए, ये 2 फंदे हम दूसरे कलर में, इस कलर में नहीं, एक कलर और लगाएंगे, सॉरी तीसरे कलर में कन्वर्ट कर देंगे, येलो में। ये देखिए, और यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसे जॉइंट लगाएंगे, इसको ऐसे कर लेंगे। ये देखिए, ये सारे फंदे मैं येलो से बना लूंगी, लास्ट के 2 फंदे में छोड़ दूंगी। बहुत प्यारा डिज़ाइन है फ्रेंड्स ये, और बहुत ही आसान तरीके से बनाए बनता है। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, 2 फंदे हम पीछे छोड़ देंगे और यहीं से मुड़ जाएंगे, पलट लेंगे, फर्स्ट वाले को ऐसे उतार लेंगे। और इस साइड से फ्रेंड्स आपको क्या करना है, हर बार जो फंदा जिस कलर का होगा उसी कलर से बनाना है। ये सीधी साइड बनेगी हमारी। आपको मैं एक बार ये रो उतार के दिखा दूं, हर बार आपने इसी तरीके से इसको बनाना है। ये देखिए,
अब इसको हम पीछे कर देंगे, ध्यान से देखिए, और पीछे से ग्रीन लेके आएंगे क्रॉस करके ऐसे। हर बार आपने क्रॉस करना है, नहीं तो हमारा यहाँ पे गैप बन जाएगा। और ये पूरी रो हम उल्टा उल्टा बना के ऊपर तक कंप्लीट करेंगे। सीधे साइड आपने हर बार इसी तरीके से बनानी है। ये देखिए किनारे वाले को हम सीधा बना लेंगे। पलट लेंगे, इस साइड से इसको ऐसे उतारेंगे। और अब की बार मैं इसमें 12 फंदे बनाऊंगी। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और देखिए इस बार अब हम अपना ये कलर लगाएंगे। दो रो फ्रेंड्स हम एक कलर से बनाएंगे और दो एक कलर से बनाएंगे। दो ग्रीन वाले मैंने मैरून में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए बाकी के सारे फंदे में मैरून से बना लूँगी, नीचे दो फंदे में छोड़ दूँगी। इसी तरीके से आपने इसमें कलर लगाते जाना है, दो दो रो के बाद चेंज करना है। ये देखिए पलट लेंगे राइट साइड से, जैसे पहले बताया था उसी तरीके से हम इस रो को बना के कंप्लीट करेंगे, जो जिस कलर का है उसी कलर से। ये देखिए ऊपर तक आ गई हूँ मैं इस रो को बनाते हुए। किनारे वाले को हम सीधा बना लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स एक छोटी सी बनती जाएगी, बहुत ही फिनिशिंग आएगी। अब देखिए पलट लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस बार मैं फ्रेंड्स इसमें 10 फंदे ही बनाऊंगी। और फिर से देखिए हम यहाँ पे अपना येलो कलर लगा लेंगे। दो मैंने मैरून की उतार ली, दो मैं येलो की। इसमें फ्रेंड्स दो दो फंदे कम होते जाएंगे, डिजाइन हमारा ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे हम दो दो फंदे छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से मैं इस डिजाइन को ऊपर तक लेके जाऊंगी। एक बार इस रो को और उतार के दिखा दूं मैं आपको। देखिए दो फंदे छोड़ दिए और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। तो इस पूरी रो को मैं यहाँ तक इसी तरीके से बनाऊंगी और ऊपर ये दो फंदे मेरे बच जाएंगे। यहाँ तक मैं आपको बना के दिखाऊंगी, कंप्लीट करूंगी। ये दो दो फंदे यहाँ तक मैं इस डिजाइन को ले आऊंगी और पीछे मैं दो दो फंदे छोड़ दूंगी। तो मैं इसको इतना बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ तक आ गई हूँ। इस टाइप का हमारा ये डिजाइन दिखाई देगा। अब देखिए फिर से हमने अपना कलर चेंज करना है। दो फंदे फिर से हम छोड़ देंगे। यहीं से पलट जाएंगे, राइट साइड से मैं इसे इसी तरीके से बना के कंप्लीट करूंगी पूरी रो को ऊपर तक। ये देखिए पूरी रो हमने ऊपर तक बना ली है। अब देखिए अब फिर से हम अपना कलर चेंज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैं फंदा बढ़ाऊंगी, तो देखिए ऐसे लपेट लेंगे। ऐसे लपेटने से ही हमारा यहाँ पे एक
फंदा बढ़ जाएगा। सबसे आसान तरीका है ये फंदा बढ़ाने का। इसको आप ऐसे टाइट कर लीजिए। एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया, पीछे हम दो फंदे इसी तरीके से छोड़ेंगे। पलट लेंगे और इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये बढ़ा हुआ फंदा भी हम बना लेंगे। एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया था। अब देखिए, फिर से हम अपना कलर चेंज करेंगे। ऐसे लपेट लेंगे। ये देखिए, एक फंदा हमने येलो से बढ़ा लिया, ये दूसरा फंदा है हमारा, और पीछे हम दो दो फंदे इसी तरीके से छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें तीन फंदे और बढ़ाऊंगी इसी तरीके से, तो टोटल हमारे फंदे हो जाएंगे 37। 32 फंदे हमने इसमें डाले थे, 5 फंदे हम ऊपर बढ़ा लेंगे। दो बढ़ा लिए और मैं तीन फंदे इसी तरीके से कलर चेंज करते हुए मैं यहाँ पे तीन फंदे और बढ़ा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए, 5 फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं और पीछे हमने दो दो करके फंदे यहाँ तक छोड़ लिए हैं। आप देखिए, यहाँ पे हमारे दो फंदे ये मैरून हैं। ये देखिए, बिल्कुल हमारी हाफ कली बन के कम्प्लीट हो गई। आप देखिए, कलर हम चेंज कर लेंगे। और अब हमने फंदे 5 बढ़ाए थे, तो अब हम घटाएंगे इसमें। देखिए, दो फंदे का एक करेंगे, एक फंदा हमारा कट गया। और ये देखिए, दो फंदे हम इसमें ये ऐड कर लेंगे और हम वापस मुड़ जाएंगे। इस तरीके से हम इस कली को पूरा करेंगे। हमारी लाइन से लाइन मिलेंगी बिल्कुल। इसको हम अब सीधा बना देंगे। अब देखिए, अब हमारा पीछे हमारे दो फंदे येलो के हैं और हम अपना कलर चेंज करेंगे, जैसे हमने जब ये कली बनाई थी तब किया था। तो दो फंदे का फिर से एक कर देंगे। ध्यान से देखिए, इसी तरीके से हमने अपनी लाइन से लाइन मिलानी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बीच में गैप लगे तो ऐसे फंदा उठाइए और ऐसे दो का एक कर दीजिए। ये देखिए, और यहीं से वापस हम मुड़ जाएंगे। सीधी साइड से इस रो को इसी तरीके से बना के मैं उल्टा उल्टा कंप्लीट करूँगी। एक बार और दिखाऊँगी, फिर मैं इसको पूरा करके फिर आपको दिखाऊँगी। इसी तरीके से हमने बनाना है। पहले हम दो दो फंदे छोड़ते आए थे, कली को हमने नीचे से स्टार्टिंग की थी, अब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और दो दो फंदे ऐड करेंगे इसमें। अब देखिए, आगे हमारे दो फंदे मैरून हैं, तो अब हम इसमें तीसरा फंदा घटाएंगे। ये देखिए, जितने फंदे फ्रेंड्स आप बढ़ाओ, उतने ही फंदे आप इसमें घटाइएगा। फिर से हम एक फंदा उठाएंगे, गैप खत्म करेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से फ्रेंड्स हम इसमें ये अपने सारे ही फंदे घटा लेती हूँ मैं। दो फंदे मैंने घटा लिए, तीन फंदे मैं इसमें और घटाऊंगी, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। सॉरी, तीन फंदे मैंने इसमें घटा दिए। ये देखिए, 5 फंदे हमने बढ़ाए थे, 5 फंदे मैंने यहाँ पे घटा लिए हैं। अब देखिए, ग्रीन वाला ये, इससे हम ये दो फंदे बनाएंगे। जो हमारा ये नीचे का ये वाला पैटर्न था, अब ये वाला हमारा स्टार्ट होगा। ये देखिए, दो फंदे हमने ग्रीन के ले लिए। आगे हम जैसे हम कलर चेंज करते थे, इसी तरीके से हम कलर चेंज करेंगे। ये देखिए, आगे हमारा ये थ्रेड है, इसके मैरून के दो ये हैं, तो हम मैरून कलर ही लगा लेंगे। ये देखिए,
देखिए ग्रीन वाले अब हमारे फंदे यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। हर बार दो फंदे जब हम नीचे से ऊपर आए थे तो ये घट रहे थे, अब ये बढ़ेंगे। ये देखिए तो गाइड कर देंगे, गैप खत्म करेंगे, बिल्कुल भी गैप नज़र नहीं आएगा फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से ऐसे बनाओगे तो। ये देखिए इस रो को मैं उतार के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए आपकी बार एक बार और देख लीजिए, फर्स्ट वाले को उतार लेंगे, दो फंदे थे, दो हम इसमें और कन्वर्ट कर देंगे। ये फ्रेंड्स हमारे 16 फंदे थे तो लास्ट में हमारे ये 16 फंदे ही आएंगे इस साइड, चार हमारे ये हो गए। इसी साइड हर बार हम दो दो फंदे इस साइड से कन्वर्ट करते जाएंगे और उस साइड से दो दो फंदे ऐड करते जाएंगे और कलर हम दो दो रो बनाते हुए चेंज करते जाएंगे, एक बार येलो एक बार मैरून। और बिल्कुल सिंपल है, इसी तरीके से आपने इसको बना के कली को नीचे तक लेके जाना है। फिर से गैप ख़त्म करेंगे। ये देखिए ऐसे अगर फंदा उठाओगे फ्रेंड्स कोई भी डिज़ाइन का आप डोरमेट बनाओगे तो आपका गैप नहीं रहेगा बीच में बिल्कुल भी। ये देखिए बिल्कुल भी आपका गैप नज़र नहीं आएगा और जो हम ये फंदा उठाते हैं इससे भी एक चोटी सी बनती जाती है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं ये फंदे इसमें दो दो कन्वर्ट करती जाऊंगी, कलर चेंज करती जाऊंगी और इस साइड से दो दो फंदे हम ऐड करते जाएंगे। जो जिस कलर के फंदे हमने ऐड करने हैं वही कलर ऊपर से हम नीचे लेके आएंगे। तो मैं इसे यहाँ तक बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का बताऊँगी। ये देखिए 14 फंदे फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर हो गए, ये हमारे 16 फंदे होने हैं तो इस रो में हम इनको पूरा करेंगे। ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 और ये 16। ये देखिए 16 फंदे हमने लिए थे तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और लास्ट में देखिए दो फंदे फिर से हम ऐड कर लेंगे। एक कली हमारी ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है। देखिए सॉरी जल्दी उठाएंगे हम, ये गैप ख़त्म करने के लिए दो का एक कर दिया और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। जो जिस कलर का होगा उसी कलर से मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी। ये देखिए ऊपर तक आ गई हूँ मैं बनाती हुई। ये देखिए फ्रेंड्स इस टाइप से अगर ये फंदा आप बनाओगे तो एक ऐसी फिनिशिंग के साथ एक चोटी सी बनती जाएगी। आप देखिए दो फंदे हमारे बचे हुए हैं, आप याद करिए ये वही वाली रो हमारी हो जाएगी जब हमने इसमें फंदे डाले थे। सोलह फंदे मैं ग्रीन से बनाऊंगी। और आगे मैं ये 16 फंदे येलो से बनाऊंगी, सॉरी मैरून से बनाऊंगी। ये देखिए तो इस रो में हमने अपने फंदे उतने ही कर लिए और कली हमारी कंप्लीट हो गई। ये इस कली की लास्ट रो है फ्रेंड्स, इसमें हमने अपने देखिए सारे ही फंदे हमने इसमें अपने ऐड कर लिए। ये देखिए दो फंदे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। सीधी साइड से इस रो को मैं उतार के इसे मैं कंप्लीट करूँगी। देखिए ऊपर तक आ गई हूँ मैं। अब एक बार फिर से हम इस रो को रिपीट करेंगे फ्रेंड्स दूसरी कली बनाने से पहले। सेम इसी तरीके से जो जिस कलर का होगा इस साइड से भी और इस साइड से भी मैं इसे बना लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने दो रो इस साइड से और इस साइड से एक रो और उतार ली है। ये हमारी यहाँ पे देखना दो लाइन इकट्ठी हो गई है।
अब हम दूसरी कली की फर्स्ट रो है तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला उतार लेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह, चौदह फंदे मैंने बना लिए हैं। ये देखिए फिर से, अब हमारा पीछे मैरून कलर है तो मैं येलो से दो फंदे ये इसमें कन्वर्ट कर दूंगी और ये नीचे तक मैं येलो कलर से ही बनाऊंगी और सबसे लास्ट के दो फंदे मैं छोड़ दूंगी। दूसरी कली की हमने स्टार्टिंग कर ली है, ये देखिए पलट लेंगे, राइट साइड से जो जैसा होगा मैं वैसा ही बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए ऊपर तक मैंने इस रो को बना लिया है। अब एक बार और देख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, आपके बार में बारह फंदे बनाऊंगी और ये देखिए फिर से मैं ये कलर ले लूँगी। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम कलर चेंज करते जाएंगे और ऊपर की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, दो दो फंदे हमारे ग्रीन वाले कम होते जाएंगे और पीछे हम दो दो फंदे जैसे हमने पहली कली में छोड़े थे छोड़ते जाएंगे। हाफ कली हम फंदे छोड़ के बनाएंगे और फिर ऊपर से बनाएंगे तो दो दो फंदे हम ऐड करते आएंगे। ये देखिए दो फंदे छोड़ दिए, यहीं से मुड़ जाएंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपने इसको बनाना है। ये देखिए दूसरी कली हम इसी तरीके से हम बनाएंगे, एक बार हम पीछे से छोड़ेंगे और फिर आपने ऊपर यहाँ पे पांच फंदे बढ़ाने हैं, फिर पांच फंदे घटाने हैं, दो दो फंदे हम ऐड करते हुए कली को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी लुक कैसी आई है। मैं इसे बना लेती हूँ पूरा। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, छः कली में बन के पूरा हुआ है ये। तो फ्रेंड्स आपको डिज़ाइन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।